जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी, जय आदिवासी। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग समाज सेवा में तन मन धन से सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमारी जो आदिवासी सहयोग समिति जो लोहरदगा है, उन्हीं का जो सखा है और ये गुमला में हमारे जो अभी सर्विस पीरियड में हैं, फौजी और पुलिस मंच के भाई लोग समाज सेवा के लिए, सहयोग के लिए यहाँ मुड़मा गांव में आज आए हुए हैं। और इनको जैसे पता चला कि हमें हमारे शांति बहन जो है उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ये लोग सहयोग और मदद के लिए आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो विश्वनाथ राव जी आए हैं, वो अपना परिचय दे के बताएँगे कि मतलब आप लोग का किस तरह से सेवा का इच्छा है। मेरा नाम है विश्वनाथ भगत और मैं आदिवासी सहयोग समिति पुलिस फौजी मंच भारत की ओर से आया हूँ। और यूट्यूब चित्रंजन दादा के यूट्यूब के माध्यम से हमको पता चला माडर प्रखंड के अंतर्गत मुड़मा गांव में शांति दीदी के घर में जो सरना झंडा सरनामा की स्वरूप जो प्रकट हुई है, वो जो दिखाई दे रही है, इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से हमारे धर्म सरना धर्म स्वावलंबी देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ अपना पूजा पाठ करके जा रहे हैं। और दीदी का भी पता चला कि बहुत गरीब स्थिति में है उसके परिवार। तो हम लोग का आदिवासी सरना समाज पुलिस फौजी मंच यही सोचा कि जब गरीब आदमी है तो उनके लिए हम लोग तरफ से कुछ सहयोग राशि दान कर सके, ताकि वो आने वाला व्यक्ति को अपना जो भी नाश्ता चाय पानी जो भी हुआ उसको मतलब अपना घर से छूछा ना लूटने दें। ये सोचकर हम लोग शांति दीदी के घर में गांव में आए और अपना सहयोग दान कर रहे हैं। और हम लोग का जो सहयोग दान राशि है जो ये है 3,400 रुपया। और हमारा शांति दीदी के घर में आने का मकसद यही है। और हमारा जो फौजी पुलिस का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सरना समाज के जितने भी गिरे हुए परिवार हैं उनको हम लोग आगे की ओर ले जाने का विचार रखे हैं। और प्लस इसमें जो गरीब स्तर के हमारे सरना समाज के बच्चा लोग हैं, वो लोग के लिए हम लोग शिक्षा का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और शिक्षा की रही बात कि अभी हम लोग स्कूल नहीं खोल पाए हैं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे स्कूल खोलने जा रहे हैं। और इस स्कूल में हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे और उस जिस स्कूल में जो टीचर बहाल होगा उनके लिए हम अपने फौजी पुलिस मंच की ओर से उनको वेतन देंगे। और बस मैं इतना ही कहकर अपना वाणी बंद करता हूँ। बहुत बड़ा उद्देश्य और बहुत बड़ा सोच। आज सरना समाज के लोग परेशान थे कि कैसे हमारे समाज को ऊपर उठाएं, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन आज कदम बढ़ा चुके हैं। सर्विस के दौरान भी आर्थिक सहयोग और जो समय मिल रहा है छुट्टी के दौरान उस समय भी कुछ समय दे रहे हैं। तो आपसे हम प्रवीण जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए समाज के लिए कि क्या आप लोग जो कर रहे हैं ये तो बहुत सराहनीय और बहुत तो बड़ा सोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। जय धर्म सत्य। मेरा नाम प्रवीण कुजूर है। पुलिस फौजी मंच की तरफ से आए हुए हैं। शांति दीदी के घर में सरना झंडा जो दिखाई दिया और चित्रंजन दादा हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको पता चला कि शांति दीदी के घर में सरना झंडा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सोचे कि गरीब परिवार है दीदी, चलो हम लोग कुछ सहयोग करते हैं, बोल के हम लोग आए और सहयोग राशि दिए। और बस इतना ही बोल के। तो हम आपके सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, तो ये दादा लोग के लिए, भाई लोग के लिए आप का संदेश देना चाहते हैं?
मेरा नाम शांति राम है। मेरा घर में सरना झंडा प्रकट हुआ है, पूजा कर रहे हैं, तो हमको मदद के लिए लोहरदगा का गुमला से आए हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ मदद कर रहे हैं, सब अच्छा से पूजा पाठ करिए, विश्वास कीजिए, सरना माँ के झंडा प्रणाम करिए, तो कहीं से सरना माँ जरूर प्रकट होंगे और सबको बताएंगे बुद्धि, और पूजा करने के लिए सबको बुद्धि मिलेगा, अच्छा से पूजा करिए। खुश है और उनकी बातों से पता चल रहा है कि आज सहयोग के लिए हमारे समाज में कोई तो खड़ा हो रहा है, नहीं तो अलग थलग हम लोग का समाज में लगता था, लेकिन आज पुलिस फौजी मंच के माध्यम से जिस तरह से लोगों को एक खड़ा करने और शिक्षा के स्तर पर और रोजगार के स्तर अवसर पर और एक एक लोगों को जो सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने एक एक रुपया जो मेहनत से कमाए हुए उस पैसे को सही जगह पर अपने परिवार अपने समाज में देने के लिए जो आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत लाजवाब है। इस गांव के जो बिरसा राम हैं उनसे भी हम बात कराना चाहेंगे। जय धर्मेश। जय धर्म। आज हमारे भाई लोग आए हैं गुमला से, ये हमको बहुत खुशी की बात है, जो कि आज इतने लंबी रास्ता सफ़र करके आज गुमला गांव में शांति राम जी के घर में सरना माँ की जो झंडा के रूप में दिखाई दे रही उनको देखने आए और मदद के रूप में वो अपना राशि मदद के रूप में दे रहे हैं, हमको बहुत खुशी की बात है। आज बहुत गर्व से सोचने की बात है कि अभी ये हमारे भाई लोग अभी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश की सेवा करते करते अभी समाज की सेवा में भी जुटे हुए हैं। ऐसे ऐसे अगर हमारे समाज में अगर आदमी पैदा हो जाएंगे, ऐसे अगर सब सहयोग के लिए अगर आगे बढ़ जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि सरना समाज पिछड़े रहेगा, और हमको लगता है आज कि हम लोग समाज एकजुट हो गया है और अच्छा से एकजुट एक मुट्ठी में हो गए हैं, इसलिए हम लोग को एक रास्ते में चलना है और हम लोग आगे पीछे इधर उधर दूसरे धर्म में हम लोग ना भटके, आज हम लोग एकजुट हो गए हैं, हम लोग के लिए एक से एक हम लोग के लिए आगे आदमी आ रहे हैं, किसी को किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। हमारे आर्मी और पुलिस ये एक मंच है, हमको बहुत खुशी लगा कि ऐसे ऐसे मंच और भी जरूर अलग अलग हो सकते हैं, अपना अपना मंच जरूर बनाएंगे लोग और सबको मदद देंगे। इतने ही तक मैं अपना वाणी बंद करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जिस तरह से अच्छा और नेक काम के लिए आप लोग कदम बढ़ा चुके हैं, इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, और जितने भी आप लोग के ग्रुप में हैं सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग इस शुभ काम के लिए, ये पुण्य काम के लिए कदम हर आदमी को बढ़ता नहीं है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति सारे लोग मिल के हम अच्छा एक पुण्य और सही दिशा पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर सारे लोग मिल के काम कीजिए, और जितने भी पुलिस फौजी लोग हैं वो लोग एक साथ जुटिए और इसमें मिलिए, और उसमें आप एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, आपका परिवार सुरक्षित महसूस होगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस होंगे, आप समाज के साथ मुँह उठेंगे बैठेंगे, आपको मंच दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। नहीं तो आज सर्विस करते हुए भी हम लोग अकेले से महसूस करते हैं, वो अकेलापन हमको लगता है कि ये पुलिस फौजी मंच समाप्त कर देगा, और अन्य सर्विस करने वाले जो है उनसे भी कहेंगे कि आप भी कुछ ग्रुप तैयार कीजिए, और अगर आप ग्रुप तैयार नहीं कर सकते तो हमारे साथ में आइए, आदिवासी सत प्राकृतिक सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में अलग अलग होके भी हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि अगला काम कर रहे हैं तो हम नाराज हो ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे लोग काम करें और सारे लोग आगे आएँ। तो अंत में बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी देना चाहूँगा, और ये भाई साहब लोग आए थे सामान देने के लिए, चना गुड़ चिवड़ा प्लेट वगैरह, लेकिन कुछ उपलब्ध है तो बाद में हम लोग का 1 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, अभी 1 तारीख को होने वाला है, इसमें उसको हम लोग खर्च करेंगे, और गांव वालों से भी हम चाहेंगे कि आपको भी अगर इच्छा लगता है कि धर्म में हाथ बटाएँ पुण्य का काम करें, तो गाँव के आस पास
वो अपने स्वेच्छा से जो है वो दे, ताकि एक तारीख की जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में अच्छी तरह से हम लोग कर पाएँ। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।